billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. प्यारे तलबा, हम आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल से आपको अपनी क्लास के तमाम मज़ामीन सीखने में मदद मिलेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह हम सीखने के तमाम मराहिल में आपकी रहनुमाई करेंगे। हम ऑक्सफोर्ड की मैथवाइज सिक्स की बुक की पैरवी करेंगे और तमाम यूनिट्स में खबरवार सीखेंगे। आज इस लेक्चर में हम यूनिट फॉर इंटीजर में एडिशन ऑफ इंटीजर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर देखेंगे। एडिशन ऑफ इंटीजर में हम जो एडिशन को जब साइन एक जैसे हों और जब साइन एक मुख्तलिफ हों इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन को भी देखेंगे और डिफरेंट रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ इंटीजर में क्या होता है, द प्रोसीजर ऑफ एडिंग इंटीजर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एडिंग होल नंबर्स except for a slight difference. When we add a positive integer, we move towards the right as done with whole numbers. But when we add a negative integer, we move towards the left. Addition of integer with the like signs. जब हम किसी integer को add करेंगे उसके signs same होंगे तो फिर क्या करेंगे, हम उनकी जो है absolute value को लेंगे और फिर उसको हम add कर देंगे और रिजल्ट फिर क्या हो, कॉमन साइंस का इंटीजर है। फॉर एग्जांपल 4 + 8 तो इसका क्या हो जाएगा, 12। और इसमें साइन क्या था, प्लस का साइन कॉमन था। और इसी तरीके से अगर हमने -4 और -8 का हमने एडिशन करनी हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 + 8 इज इक्वल टू 12 और उसके नेगेटिव का साइन है और रिजल्ट के साथ लग जाएगा। एडिशन ऑफ इंटीजर विद अनलाइक साइन, अगर हम लाइक साइन को डिस्कस करते हैं इसमें है कि सिंपल एडिशन होगी, एडिशन होगी एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको करके एडिशन कर देंगे और जो भी साइन होगा वो एंड रिजल्ट के साथ उसको कर देंगे। अच्छा, एडिशन ऑफ अनलाइक साइन अगर होंगे, मसलन एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो उसकी इसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर subtract a smaller value from a larger one. The result will have the sign of the integer with a larger absolute value. For example, -4 + 18. इसके हम क्या करेंगे, bigger में से smaller को subtract करते हैं, that is 80 - 4, absolute value इनकी क्या होगी, 76। अच्छा, इसका result होगा 76, तो sign क्या है, 80 का positive है, तो इसका result भी क्या होगा, positive होगा। अब अगर इसी एग्जाम्पल पर हम ऑर्ड कर लेते हैं कि 4 + -80 तो क्या होगा, 80 बिगर है तो इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उसमें से स्मॉलर वैल्यू जो है 4 है तो उसको तो उसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर क्या होगा, 76। बट यहाँ पे लार्जर वैल्यू 8 - 80 है तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है बड़ी वैल्यू पर लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा -76। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कैसे करेंगे, उसमें ये होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, ऐड एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर और चेंज द साइन ऑफ इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एडिशन। मसलन अगर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना हो क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल दे रहे थे जैसे क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट -2 from 6, तब ये क्या होगा, -2 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो इसके साथ क्या कर देंगे, इसके जो साइन है उसको इन्वर्स कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, और सिंपल ऐड का रूल लगा देंगे जो हमने पहले देखे हैं, तो क्या हो गया, -2 + 2 हो गया, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट -11 from 8, सब्ट्रैक्ट -11 from 8, -11 को का जो है साइन वो चेंज हो जाएगा, -11 + 11 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 19। इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट 2 from 8, अब 2 पॉजिटिव है तो इसका हमने साइन 2 का इनवर्स कर दिया और अब सिंपल इसके ऊपर एडिशन का रूल लगा दिया, वो क्या बन गया, 6। ऐसा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन है
The symbol can confirm the value of each of the following. Part A may have 3 minus 5. The response of the second thing is 3 minus 5 is equal to minus 2. 1 minus 4 is minus 3 is a larger number. Hai, 5 or its sign is its sign. 3 minus 4 minus 1. 9 minus 6 is 3. Minus 8 plus 3 minus 5. Minus 3 minus 2 is equal to minus 5. Uska minus 5 plus 7 kya 2. Minus 15 plus 20 equal to 5. Minus 19 plus 31 12. 199 minus 300 to kya ho jayega minus 101 kyunki 300 ke saath जो साइन है वो नेगेटिव का है तो इसलिए आंसर के साथ भी नेगेटिव आएगा. 2 माइनस माइनस 4 2 माइनस माइनस 4 इसमें क्या किया माइनस 4 का जो साइन है वो इन्वर्स किया और उसको सिंपल ऐड कर दिया तो क्या आ गया 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. 3 माइनस माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 और आंसर 8. M part is minus 6 plus minus 2. So what will happen? Minus 6 minus 2 is equal to minus 8. M minus 7 plus minus 2 is equal to minus 9. Minus 3, because this light sign is equal to minus 3 minus 5. So what will happen? Minus 8. Minus 2 minus 8. Equal to minus 10 minus 1 plus minus 4 equal to minus 5 minus 8 plus minus 3 equal to minus 11 minus 5 mein se minus karein plus 5 minus 5 ko to kya hoga 0. 1 mein se minus 7 minus karein to ye kya ho jayega plus 8 ho jayega. Second problem puchha hai, the temperature of a city was 4 degrees centigrade at midnight. Find the relative temperature if the temperature fell by part A 1 degree centigrade. To kya hoga hum 4 mein se 1 ko minus karenge to new temperature 3 degrees centigrade. B bhi keh raha hai fell by 7 degrees centigrade. To kya hoga 4 minus 7 the new temperature will be minus 3 degrees centigrade. अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड फेल डाउन हो जाए तो कितना होगा 4 माइनस 15 तो आंसर हो गया माइनस 9 डिग्री सेंटीग्रेड. पार्ट 3 ने पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेंपरेचर गिवन बिलो. अब दो टेंपरेचर्स ने दिए हैं उनके लिए हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है और जैसे पार्ट ए में एक टेंपरेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है माइनस 6 तो इसके अंदर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसके हम क्या कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन है. अगर हम नंबर लाइन्स ड्रा कर दें तो 4 से लेके माइनस 6 तक कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और दूसरे में क्या है माइनस 2 और माइनस 9 के दरमियान डिफरेंस कितना होगा तो हो जाएगा माइनस 2 में से माइनस 9 प्लस 9 तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड. और सी पार्ट में कह रहा है कि माइनस 3 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है तो हम उसको डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे माइनस 3 और माइनस 6 में से क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा और इसके हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और डिफरेंस कितना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड का है. और फॉर्मूला में क्या है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज 25 वन ऑफ देम इज माइनस 10 फाइंड द अदर. लेट अस अज्यूम unknown integer is x. हम इस चीज़ को assume कर लेते हैं जिसे नंबर को हमने फाइंड आउट करना होगा x तो फिर क्या होगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 25. x के अंदर हम माइनस 10 को ऐड करें तो कितना बनता है 25 ये उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो अब क्या हो गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 25. x को लेफ्ट साइड पे रहने दिया और माइनस 10 को हम राइट साइड पर ले आए तो इसका क्या होगा साइन चेंज हो जाता है. अगर किसी नंबर को भी हम उसकी साइड चेंज करें लेफ्ट टू राइट ले जाए
the Tauga 25 plus 10, or X Tauga 35. Yeah, now number 35 Tauga. Part 5 you push the difference between two integers is 7. Two integers can be different from 7. If the bigger one is minus 4, find the other. उस समय इसमें एक डिफरेंस दे रही हूँ. दूसरा ये क्या है, इसके अंदर जो बिगेस्ट बना हुआ है माइनस फोर. सो दिस मीन्स जो स्मॉलेस्ट होगा वो डेफिनेटली फोर से छोटा ही होगा. सो लेट अज्यूम अननोन इंटीजर इज एक्स. एज बिगर नंबर इज हैविंग नेगेटिव साइन, सो स्मॉलर वन विल डेफिनेटली बी अ नेगेटिव साइन. सो इस प्रश्न का हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर और माइनस एक्स इज इक्वल टू 7. अब हम माइनस फोर को राइट साइड पर ले जाएंगे तो इसका साइन माइनस फोर से क्या आएगा, प्लस. तो क्या होगा, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11. अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 11, तो साइन जो है उसको भी राइट साइड पे ले जाएंगे, एक्स पॉजिटिव हो गया और 11 क्या हो गया, माइनस 11 हो गया. अच्छा, इसका हम चेक कर लेते हैं क्या आया. ये हमारे क्वेश्चन की जो से कहा है कि डिफरेंस 7 आया तो मीट करता, तभी आगे नहीं करता. माइनस 4 माइनस 11, अब इसको हम क्या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7. सो हैंस एक्स इज माइनस 11. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. इंशाल्लाह बाकी सवाल अगले वीडियो में हल करेंगे. जय हाला.